सो गाइस, आज का वीडियो हमारा एक नई टीवी सीरीज के ऊपर है जिसका नेम है ला कासा दी पापेल। अगर मैं इंग्लिश में कहूँ इसका नाम तो है मनी हाइस्ट। दोस्तों, ये एक स्पेनिश शो है नेटफ्लिक्स का जो इतना पॉपुलर हो गया है कि फैंस दीवाने हो गए। इवन शाहरुख खान जो बॉलीवुड किंग है उसने इस सीरीज के राइट्स खरीद लिए हैं। अब इस टीवी सीरीज की बॉलीवुड में मूवी बनेगी, वो भी इन इंडियन स्टाइल। अब आप लोग सोचोगे इसमें ऐसा क्या है भाई। सबसे पहले दोस्तों इसका जानरा है क्राइम ड्रामा, और मैं इस टीवी सीरीज को एक शब्द में ही बयान करूंगा, वो है मास्टरपीस। मतलब यही वर्ड सूट करता है इस पर। आज मैं यही टीवी सीरीज के बारे में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ तुम्हें इस वीडियो में पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब दोस्तों नो मोर डिस्कशंस, अब जाते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। देखो दोस्तों, इसकी कहानी शुरू होती है एक बंदे से जिसका नेम प्रोफेसर है। उसका असली नाम वो नहीं बताता। अब दोस्तों ये प्रोफेसर जो है ऐसे 8 लोगों को ढूंढता है जिन लोगों के पास ज्यादा कुछ खोने के लिए नहीं है। तो वो ऐसे 8 लोगों को ढूंढकर इकट्ठा करता है, और उसका ये करने का एक ही रीजन होता है, दुनिया की सबसे बड़ी चोरी जो आज तक नहीं हुई हो। और उन लोग चोरी में उड़ाने वाले होते हैं 2400 मिलियन यूरोस। मतलब अपनी करेंसी में तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब अपने बच्चे के बच्चे भी हो जाएंगे तब भी पैसा खत्म नहीं होगा। देखो दोस्तों, ये जो प्रोफेसर होता है ये इन 8 लोगों को भेजता है रॉयल मिंट ऑफ स्पेन, जहां नोट छापते हैं, और वहां ये लोग 11 दिन चोरी करेंगे। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 11 दिन चोरी। और ये लोग पूरा चारों तरफ से पुलिस के अंडर घेरे हुए होंगे, और हाँ उस रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में हॉस्टेजेस भी होंगे जिसके कारण ही वो लोग बचते हैं। अब दोस्तों ये सबसे बड़ी चोरी करने के लिए मास्टर प्लानिंग की भी जरूरत होगी ही। तो जो प्रोफेसर होता है वो उन लोगों को 5 महीना ट्रेनिंग देता है हर चीज की जो उस 11 दिन में वो लोग करेंगे। हर स्टेप, हर पॉसिबिलिटीज, हर पुलिस की चीप ट्रिक्स, हर वो चीज वो लोगों को 5 महीने में प्रोफेसर सिखाता है। मीन्स प्रोफेसर उन लोग को इतने आउटकम्स बता देता है कि तुम लोग खुद कहोगे साला फ्यूचर देख रहा है क्या, जैसे पकड़े गए तो क्या, अगर वो चीज उल्टी हो गई तो क्या, अगर हम में झगड़े हो गए तो क्या। ऐसे बहुत से आउटकम्स का काउंटर प्रोफेसर उन लोग को सिखाता है। तो गाइस, ये सब कुछ एक बहुत बड़ी प्लानिंग रहती है, एक ऐसा परफेक्ट प्लान रॉबरी का जो आज तक हमने नहीं देखा है। ये प्रोफेसर के चक्कर में पूरी पुलिस फोर्स हैरान हो जाती है कि कौन है ये प्रोफेसर, पूरा दृश्य मूवी जैसा लगता है। अब जो कहानी में 8 लोग हैं जो उस रॉयल मिंट में होंगे, वो लोगों को प्रोफेसर ने ऐसा ट्रेन किया है कि पुलिस खुद बोल देती है कि ये कोई मामूली चोर लोग नहीं है। इन 8 लोगों में से कोई किसे नहीं जानता, किसका बैकग्राउंड किसे नहीं मालूम। ये प्रोफेसर ने सिखाते वक्त ही सबको समझा दिया था, नो रियल नेम्स, खाली एक दूसरे को एड्रेस करने के लिए शहरों के कैपिटल नाम रखते हैं, जैसे टोक्यो, डेनवर, नैरोबी, बर्लिन, ये इन सब के नाम होते हैं। तो गाइस, अब ये लोग चोरी करने घुस तो गए हैं, क्या ये लोग इस चोरी को अंजाम दे पाएंगे, ये तुम्हें देखने पर ही पता चल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये शो इतना अब हिट हो ही गया है तो इसका हिंदी डब भी आ जाना चाहिए। तो यार टेंशन नहीं लो, इसका हिंदी डब भी बहुत जल्द आ जाएगा। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस शो से सिवाय एक प्रॉब्लम के, वो है इसके इंग्लिश डब वाले सबटाइटल्स, क्योंकि इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज स्पेनिश है, तो यार वो तो बहुत सही है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम है इंग्लिश सबटाइटल, क्योंकि दोस्तों जो लोग इसका इंग्लिश डब देखेंगे उसके इंग्लिश सबटाइटल उसके इंग्लिश डब से परफेक्टली मैच नहीं करते। तो मैं तो कहूँगा जो इसे देखेगा प्लीज स्पेनिश लैंग्वेज में ही देखना विथ इंग्लिश सब, तो ही तुम्हें मजा आएगा, ये मेरी तुम लोग से रिक्वेस्ट है। क्योंकि इसका इंग्लिश डब में कोई बोल क्या रहा है और सबटाइटल थोड़े अलग आ रहे हैं, सो ये चीज अवॉइड करना और स्पेनिश विद इंग्लिश सबटाइटल ही देखना। तो अब दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूँ इस शो से रिलेटेड, तो मेरा सीन ऐसा हुआ था कि मैंने ना ही ट्रेलर देखा ना ही कुछ, बस इसके सिनॉप्सिस पढ़ा और एक एपिसोड देखना चालू कर दिया। और मेरा जब सेकेंड एपिसोड जब खत्म हुआ
तब मैं समझा कि मेरा एक एपिसोड खत्म हुआ, इतना एडिक्ट हो गया था मैं। इसके ऑलरेडी 3 सीजन नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है तो वहां से देख सकते हैं, और जिसके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो मैं साइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहां से डाउनलोड कर लेना गाइस। ये सीरीज इतनी पॉपुलर हो गई है कि इसे प्रिजन ब्रेक जैसी महान सीरीज से कंपेयर करा जा रहा है। इसकी पॉपुलैरिटी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सो गाइस तुम लोग जरूर देखना और इसे एंजॉय करना। तो अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, अरिगातो गोज़ाइमासु।